है दांत का उल्टा चश्मा। सॉरी पोपटलाल, तुम यहाँ पे सिर्फ चाय गिराने चाय पीने ही आए थे कि कुछ काम से भी आए थे? काम से ही आया था, मुझे स्त्री चाहिए। तुम्हारे पास भी तो स्त्री थी ना, क्या हुआ उसका, खराब हो गई? अरे कितना पॉजेसिव है तू अपनी स्त्री को लेकर, तो मेरी खराब हो गई इसीलिए मांग रहा हूँ ना। लेकिन संभाल के यूज करना जो मैंने बोला है, ध्यान में रखना। अरे हाँ हाँ भाई हाँ, तू जा दुकान जा। आपका दुकान नहीं, मुझे लोनावाला जाना था। जाना था मतलब? मतलब वहाँ एक नया रिजॉर्ट खोल रहा है, तो बड़े ऑर्डर की मीटिंग के लिए जाना था, लेकिन अभी आपकी तबीयत बराबर नहीं है तो मैं फिर कभी चला जाऊंगा। पापा रिलैक्स, मैं हूँ ना, आप बिंदास काम के लिए जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मैं दादाजी को हाथी अंकल के पास भी लेके जाऊंगा और उनकी अच्छी केयर भी करूंगा। वो दादाजी, मैं भूल गया था कि गोली को स्टेशन छोड़ने जाना है। गोली कहाँ जा रहा है? वो 2 दिनों के लिए नासिक के किसी गांव में मेडिकल कैंप के लिए जा रहा है। आप आराम कीजिए, हाँ मैं बस तुरंत ही आ जाऊंगा। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन आराम करना। अरे हाँ मेरे दादाजी, आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा, आराम करूंगा। ठीक दादाजी, मैं आपके लिए यहाँ गर्म पानी रख देता हूँ और फिर जाता हूँ। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग जोड़ी। अरे गुड मॉर्निंग पप्पू। अरे वाह वाह वाह, सुबह सुबह ये कड़क स्त्री वाला व्हाइट कुर्ता उसके ऊपर लाल कोटी पहन के सुबह सुबह एम्बुलेंस बन के कहाँ जा रहा है? थोड़ी तेरी आंखों का इलाज करा, ये गाड़ी का काम करते करते तुझे इंसानों में भी गाड़ी आई दिख रही है। गुड मॉर्निंग सोनी, गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हैंडसम बन के कहाँ जा रहे हो? देखा, वो शादी में जा रहा हूँ। शादी में? वो किसकी शादी में? ओ वैसे तो तू हम सबको परिवार कहता है और हमें बिना बताए शादी कर रहा है। ओए हद है यार। अरे भाई सोड़ी, मेरे दोस्त के भाई की शादी में जा रहा हूँ, तू भी ना। दोस्त की भाई की शादी? ओए ओए पोपू, ओ कब तक तू बेगानी शादियों में दीवाना बनता रहेगा? भाई अपनी शादी की कोड़ी पे चढ़ने की कब तैयारी करेगा? अरे वो तो मैं सालों से कर रहा हूँ, हो जाएगी मेरी शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। चलिए चलता हूँ। अरे पोपटलाल, भारत आने का रास्ता यहाँ है, यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे वो भीड़े से मैंने स्त्री ली थी ना, वो वापस देने जा रहा हूँ। चलिए गुड डे। चंगा सत श्री अकाल। आओ मेरा साहब, तुहानू मैं अपनी गड्डी में छाड़ देता हूँ, चलो। अरे क्या कोतमीर वड़ी बनाई तुमने, अप्रतिम, वाह। मतलब साक्षात अन्नपूर्णा हो तुम, अन्नपूर्णा, वाह। थैंक यू। माधवी, ये हाथ मुझे दे दे माधवी। ये चुमने के लिए? आहा, सीरियसली बेटे? आला पोपट। ए आला पोपट। अरे आओ पोपटलाल, ओहो क्या बात है। आओ आओ, ये ले तेरी अमानत, लाया हूँ सही सलामत। चेक करता हूँ मैं पहले। बोला सलामत, फिर भी चेक करेगा। उनको चेक करने दीजिए पोपट भाऊजी, आप बैठिए, मस्त की कोथिंबीर वड़ी खाइए। अरे वाह कोथिंबीर वड़ी, आए कि नहीं मेरी है? अरे तो मैं थोड़ी ठंडी कोथिंबीर वड़ी खाऊंगा, मेरे लिए बाजी भाभी गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी लाएगी, है ना? अगदी बरोबर ओळख लग पोपट भाऊजी, मैं अभी लाई। देख भाई बराबर है स्त्री, एकदम हाँ एकदम परफेक्ट, परफेक्ट है ना? रख दे रख दे रख दे। वाह वाह वाह। अरे कोथिंबीर वड़ी मेरी फेवरेट, चाहे ठंडी हो या गरम, वाह एकदम सही टाइम पर आया हूँ। हमेशा तुम चाय नाश्ते का टाइम पे ही आते हो। मतलब? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैं बोलना भूल गया, ये रेड जैकेट व्हाइट कुर्ता क्या जच रहा है तुम पे, हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू थैंक यू। वो मेरे पत्रकार मित्र है ना नीलेश दवे जी, उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया है। आज एक दोस्त के भाई की शादी है तो सोचा यही पहन लेता हूँ, तेरी स्त्री से प्रेस किया है। तभी मैं सोचूं इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ए मतलब बहुत अच्छे से स्त्री किया तुमने, एकदम कड़क। सोनू सोनू। ए ए ए डायरेक्ट अंदर क्या घुस रहे हो, इधर आओ। हाँ भीड़ अंकल। क्या काम है सोनू से? वो भीड़ अंकल, वो गोली है ना, वो 2 दिन के लिए नासिक में किसी मेडिकल कैंप के लिए जा रहा है, तो उसे सी ऑफ करने जाना है।
तो उसको सी ऑफ करने यहाँ पे क्यों आए? उसके घर पे जाके करो ना। यहाँ तो मैं सोनू को बुलाने आया हूँ, हम दोनों साथ में सी ऑफ करने जाएंगे। साथ में क्या सी ऑफ करना, तुम जाके सी ऑफ करो, सोनू अपना सी ऑफ कर लेगी बाद में, जाओ। क्या आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो? पूरी टप्पू सेना जा रही है गोली को सी ऑफ करने। और कोमल भाभी बता रही थी कि छोटे छोटे गांव में मेडिकल कैंप लग रहा है, वहाँ पे गोली मदद करने जा रहा है। वाह, अपना गोली उनकी सेवा करेगा, बड़े नेक काम के लिए जा रहा है गोली। हाँ वो तो है, ऐसे अच्छे काम करने वाले विद्यार्थियों पे मुझे गर्व है। थैंक यू अंकल। सोनू झालेस का रेडी बड़ा? हो आई, आले आले। हाँ आ रही है बड़ा, आप लोग बैठिए, मैं अंजलि भाभी के यहाँ जाके आती हूँ। आओ। लो लो पोपट। अरे मैं लेता हूँ ना भाई। हाय पोपट अंकल। हाय सोनू बेटा। लुकिंग वेरी हैंडसम। हाँ ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ पोपट अंकल, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ तूने मुझे नोटिस ही नहीं किया, वो भिड़े अंकल की वजह से। मेरी वजह से? आपने बुलाया तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आई आओ बेटा, सुन आओ। कोथिंबीर वड़ी खाते मस्त वे की। चटनी कहाँ है? लेकिन मैं लेके आता हूँ चटनी। रह गई, लाओ 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 बेटा। आईने बनाई है जबरदस्त, माधवी भाभी हमेशा मस्त बनाते हैं, मस्त टेस्टी। चटनी दे। क्या किया ये? चटनी गिरा दी सफेद कुत्ते के ऊपर। सॉरी 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 पपड़ा, सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, जान बुझ के तूने चटनी गिराई है। अभी भोला बन रहा, सॉरी बोल रहा। अरे मैं क्यों जानबूझ के चट्टी गिराऊंगा पोपटलाल? अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्त्री लेने आया था, तब मुझसे गलती से चाय गिर गई थी, उसका बदला लेने के लिए तूने जानबूझकर मेरे कुर्ते पर चट्टी गिराई है। अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग बड़े। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल, आओ बैठो 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 बैठो। ये माधवी भाभी ने अपने हाथ की स्पेशल मसालेदार चाय बनाई है, पुदीने वाली। मेरे हाथों में चाय दिख रही है फिर भी पूछ रहे हो? तुम भी मुझे देख रहे हो फिर भी नहीं पूछ रहे हो चाय के लिए? ओ बाबा, बोलता हूँ माधवी। अरे माधवी भाभी को क्यों तकलीफ दे रहा है तो? अरे ये ले। अरे ये दे। अरे नहीं नहीं पोपटलाल, चाय का जवाब चटनी से दिया तूने, मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, रिलैक्स रिलैक्स भाई, शांत हो जाओ। मैंने जानबूझ के नहीं किया, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो तो गलती से ही गिर गई। पोपट अंकल ये बात तो है, बीड़े अंकल कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ चटनी गलती से ही गिरी है, बाबा ने जानबूझकर नहीं गिराई है। अरे जानबूझ के गिराई हो या गलती से गिरी हो, लेकिन गिरी तो भिड़े से ही है ना। अजय तेरी वजह से मेरा कुर्ता खराब हो गया, मुझे मेरे दोस्त के भाई की शादी में जाना था, लेकिन अभी ऐसे कैसे जाऊं? चटनी का डाक जल्दी से निकलेगा नहीं। एक काम करते ना पोपटलाल, मेरे पास इससे भी बढ़िया कुर्ता है शादी में पहनने के लिए। मतलब मेरा वाला कुर्ता पहन के जाओ ना। ड्रेस कोड था लाल कोटी और व्हाइट कुर्ता पायजामा, जो तूने खराब कर दिया। अरे देवा, तेरी वजह से मेरा शादी में जाना कैंसिल हो गया। एक तो मेरी खुद की शादी हो नहीं रही है, और अब दूसरों की शादी में जाना भी तेरी वजह से कैंसिल हो गया। भीड़े तू इसका जिम्मेदार है, तेरी वजह से हुआ ये सब। पोपटलाल एक काम करते है, तुमने एक कुर्ता और पैजामा निकाल के दे दो। पैजामा क्यों? अरे पायजामे में भी चटनी गिरी है। हाँ वो दोनों निकाल के दो, मैं फटाफट ड्राई क्लीनिंग करके लेके आता हूँ। ड्राई क्लीनिंग? अरे ड्राई क्लीनिंग से कपड़े कल शाम को मिलेंगे, मुझे अब भी जाना है शादी में। पोपट अंकल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी चटनी के दाग निकाल देता हूँ। अरे कैसे निकालेगा बेटा, ये दाग आसानी से नहीं निकलेगा। पोपट अंकल आप मुझ पे छोड़ दीजिए। पप्पू बेटा, ये दाग निकालने के चक्कर में कुर्ता और खराब नहीं होगा ना? नहीं होगा पोपट अंकल,
ओ टप्पू जरा ध्यान से करना जो भी करना है वो, अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। हाँ भाई इसकी जिम्मेदारी नहीं, तेरी जिम्मेदारी होगी। मेरी कैसे? क्योंकि ये कुर्ता तेरी वजह से खराब हुआ है। कुर्ते का दाग नहीं निकला या कुर्ते को कुछ और हुआ तो मैं तेरी दुनिया हिला दूंगा। टप्पू जो भी करना संभाल के करना भाई, कुर्ते को कुछ होना नहीं चाहिए। डोंट वरी बेटे अंकल, सब ठीक होगा। सुनो मेरे साथ किचन में चल, मुझे कुछ सामान चाहिए। और पोपट अंकल आप भी हमारे साथ चलिए, और अपना कुर्ता और पजामा हमें दे दीजिए। चलो चलो चलो। प्रार्थना कर कि ये लोग जो कर रहे हैं ना उसमें सफल हो जाए। अगर डॉग नहीं निकला ना तो वो आज तू गया। निकल जाएगा, निकल जाएगा। बैठो बैठो, शांति से बैठो। पोपटलाल तुम्हें कोथमी रोटी खानी है? नहीं ठीक है मत खा, कोई बात नहीं। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? लगता है डाग नहीं निकला है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। तुम बैठो बैठो, मैं देखता हूँ। देखता हूँ क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने बोला था, मलवाट मैंने बोला था कि दाग नहीं निकलेंगे। दाग निकल गए। देखिए एकदम सफाई से दाग निकला है। दाग निकल गया। अरे ये देखिए। अरे वाह, दाग तो पूरी तरह से निकल गया। अरे हाँ एकदम चक्का चक है। अरे वाह बच्चों, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। हाँ ये कैसे किया? भिड़े अंकल ये हमने नहीं किया है। तो किचन में और कौन था? मेरा मतलब है भिड़े अंकल कि ये चमत्कार हमने नहीं, इंटरनेट ने किया है। क्या मतलब? इंटरनेट पे हर चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। हाँ बाबा, टप्पू ने इंटरनेट पे सर्च किया और तुरंत ही चटनी का दाग निकालने का सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा कैसे? भिड़े अंकल सिंपल है, हमने किचन में मोबाइल पे इंटरनेट से देखकर नींबू विनेगर और बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन को कुर्ते पे डाला और ऐसे रब किया और दाग निकल गए। टप्पू के सुपर आइडिया से मिनटों में दाग निकल गया। हाँ वाह वाह वाह, भला हो इंटरनेट का और तुम दोनों का, दाग निकल गया। लेकिन इसको इस्त्री करना पड़ेगा भिड़े। हाँ मैं कर दूंगा। भिड़े अंकल आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ ना। कहाँ है आयन? वो रहा। अच्छा हाँ सोनू आयन टेबल लेके आ। अभी लाए। हाँ सीख सीख, टप्पू से सीख दूसरों की मदद कैसे करते हैं। अरे दूसरों की मदद करना उसको मैंने ही सिखाया है। सीखा है लेकिन खुद नहीं सीखा है। ऊपर अंकल आपका कुर्ता और पजामा रेडी है। वाह थैंक यू। ये तो अभी पहले से भी अच्छा हो गया। जाओ जाओ, तुम्हें जाना है ना शादी में। जाओ रेडी हो। चल सोनू हम भी गोली के घर चलते हैं। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ उसके घर पे। क्या है वो इतना अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको मुझे आशीर्वाद देना है। एक बार पोपटलाल आ जाए फिर चलते हैं साथ में। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वाह एकदम पहले जैसा लग रहा है अभी। खेलो। चलो 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 चलो। अरे बेटा सब रेडी? यस पापा। गुड कोमल, और कितनी देर? आ गई हंस। आ गई। अम्मा इसमें क्या है? खाने पीने की चीजें। वाओ अरे वाह इतनी सारी चीजें। गोली बेटा लकी यू। थैंक यू मम्मा। एक मिनट, ये सिर्फ बेबी के लिए नहीं है तो? अरे वहाँ कैंप में और लोग भी तो हैं। उनके साथ शेयर करना। हाँ बेबी। हाँ। और मेडिकल कैंप में तुम लोगों की सेवा करने के लिए दूर दूर गांव में जाओगे। तुम लोगों को भूख लगी और टाइम पे खाना नहीं मिला तो इसीलिए। राइट मम्मा, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अरे मुझे भी तो बोलो आई लव यू। आई लव यू कोमल।
मैं गोली को कह रहा था। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। और हाँ गोली बेटा, आज भी हमारे कई गांव में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। तुम कैंप में जा रहे हो, बड़े बड़े डॉक्टर को असिस्ट करोगे और पेशेंट्स की सेवा करोगे, तो देखना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बेबी। यस सीनियर। दैट्स गुड। गोली बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो और देखना एक दिन तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। थैंक यू पापा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक सच्चा और अच्छा डॉक्टर बन सकूं और पूरी हाथी फैमिली का नाम रोशन कर सकूं। कोमल, मैं गोली को छोड़कर आता हूँ। आप क्यों जा रहे हो हाथी अंकल? टप्पू सेना है ना? हाँ हाथी अंकल, डोंट वरी, हम है ना, हम गोली को छोड़ के आएंगे। अरे टप्पू सेना, तुम लोग क्यों तकलीफ ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं हाथी अंकल, हमारे रहते हुए आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। गोली को छोड़ने हम चले जाएंगे। ठीक है, तुम लोग चले जाओ। हाँ। Congratulations, गोलाब कुमार, तुम मेडिकल कैंप जा रहे हो लोगों की सेवा करने, ये सुनकर एक शिक्षक होने के नाते मुझे बहुत गर्व हुआ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू बेटा अंकल। चप्पल निकाली? नहीं नहीं बेबी, पैर छुओ। अरे कशला कशला कशला। चलो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। हां चलो चलो। अच्छा बेबी, अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम खाना खाना। हां बेबी। बस मम्मा, ये तो संपेल से बेबी। हाय पापा। चलो 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 ले लो ले लो। अच्छा ठीक ठीक। चला गेला एकदाचा गोली। आई मिस माय बेबी। वेल, तुम इतना क्यों इमोशनल हो रही हो? गोली सिर्फ कैंप में दो दिन के लिए गया है। पता है हंस, पर फिकर तो होगी ना, माँ हूं उसकी। कोमल, बराबर है आती भाई, माँ है ना कोमल भाभी, तो उनको तो फील होगा ही ना। अरे बाप रे, क्या हुआ? हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं आ जाऊं अभी। अभी? हाँ, कल बोला था ना मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आऊंगा, आप घर पे तो हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं घर पे ही हूँ, आप आ जाइए। क्या हो आती भाई, इतने टेंशन में क्यों? चिंतामणि का फोन था, अभी आ रहा है मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखना अभी आएगा ना तो कैसे दिमाग खाएगा। अभी कभी मन करता है उसकी फैमिली से बात करूँ। हाँ तो कर लीजिए ना बात। नहीं कर सकता ना, फैमिली से मिलने की बात करूं तो वो चिढ़ जाता है, मन करता है कहीं जाके छुप जाऊं। अरे आप कैसे छुप, आप क्यों छुपेंगे? तो क्या करूं भीड़े मास्टर, वो जब भी मेरे सामने आता है ना, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खुद तो बीमार है नहीं, मुझे बीमार कर देगा। जरा सोचिए, क्या पूरे दिन की थकान के बाद घर जाके चैन की नींद सो रहे और अचानक से आधी रात को एक मच्छर आके आपको काटता है, आपकी नींद खराब हो जाती है, और ऐसा वो मच्छर हर रोज करता है, आपको कितनी चिढ़ मचेगी। डॉक्टर हाथी का भी हाल कुछ ऐसा ही हो रखा है, चिंतामणि नाम का ये किरदार हर रोज उन्हें परेशान करता है। डॉक्टर हाथी ने उनसे कहा कि भैया तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तंग आकर डॉक्टर हाथी ने उसे कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहे। क्या लगता है आपको रिपोर्ट में क्या निकलेगा? क्या सब कुछ ठीक होगा या फिर कुछ गड़बड़ होगी? रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर क्या चिंतामणि डॉक्टर हाथी का पीछा छोड़ देंगे? एक बात कहूं, कॉइल जलाकर मच्छर को भगाना आसान है, लेकिन चिंतामणि से पीछा छोड़ाना आसान नहीं है। देखते हैं रिपोर्ट में क्या निकलता है, क्या चिंतामणि से छुटकारा मिलता है या नहीं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने घर पे आराम से बैठ के एंजॉय कीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। डॉक्टर साहब, टेंशन प्रॉब्लम चिंता, चिंतामणि की चिंता बढ़ गई है। ये रही मेरी रिपोर्ट्स। लिवर की रिपोर्ट्स, लंग्स की रिपोर्ट्स, शुगर की रिपोर्ट्स,
विटामिन की रिपोर्ट, इतने सारे रिपोर्ट्स करवा लिए, मैंने तो सिर्फ ब्लड टेस्ट करने को कहा था। मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा करा लिए। ये सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, कम से कम कोई एक बीमारी तो होगी ना मुझे। वहम, आपको सिर्फ वहम ही है और कुछ नहीं। डॉक्टर और मरीज के बीच में क्यों बोल रहे हैं आप, मेरा दिल घबराता है। डॉक्टर साहब आप मुझे कोई दवा दे दीजिए प्लीज। ये ऐसे नहीं मानने वाला, हे भगवान क्या करूं अभी, लगता है कोई ना कोई दवाई तो देनी ही पड़ेगी। देखिए चिंतामणि जी, सुबह दोपहर शाम एक एक लेने से आपकी सारी बीमारियां शुभ अंतर हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।